ये वीडियो लोड होने में अगर 2-3 सेकंड भी लगे हो तो एक आम इंसान का दिमाग आज की तारीख में थोड़ा तो खराब होता ही है। इत्मीनान तो हमारे अंदर खत्म ही होते जा रहा है, सब कुछ तुरंत चाहिए, गेम, खाना, डेट, कपड़े, मूवी, सब कुछ। पर अब भी अगर करोड़ों रुपए और 250-300 लोगों की मेहनत से बनाई हुई फिल्म 10 मिनट में डाउनलोड ना हो तो लैपटॉप दीवार पे देके मरने का मन कर जाता है। वो तो ये मूवी ऑफिस के टाइम पे, ऑफिस के लैपटॉप पे, ऑफिस के वाईफाई से डाउनलोड की है, इसलिए ऐसे कदम नहीं उठाए जाते हैं। कुछ भी कहो, पैसे के लालच से ज्यादा अब बढ़ गया है डेटा का लालच। इससे पहले कोई भाई अपने भाई को 2 GB डेटा के लिए खंजर से मार देता, जियो आ गया, और अब तो 4G अनलिमिटेड मिलने लगा है। पर अब भी कई लोगों को चैन ही नहीं है। इंटरनेट कई जगहों पर तो काफी पहले पहुंच गया था, पर इसकी भूख इतनी बढ़ गई कि अब जितना भी तेज, जितना भी इंटरनेट ले आओ, कम ही पड़ जाता है। अब बात है तेज इंटरनेट की। बात हो रही है 5G की। तो क्या है इंटरनेट का नया रूप, कैसे हुआ इंटरनेट का इवोल्यूशन और क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में, गौर से सुनो। मेरे प्यारे देशवासियों, हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। आज एक बहुत ही अहम दिन है देश के लिए, एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। The steps taken to fast track India's march into the 5G era. आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, जियो ने अपनी 5G सर्विस का ऐलान कर दिया है दशहरे पर। 5G। अब अगर बात 5G तक पहुंच गई है तो आप सलोनी तो हो नहीं कि आपको बताना पड़े शुरुआत 1G से हुई थी, पर बता देते हैं। 1G इंट्रोड्यूस हुआ 1980s में, जब पहली बार दुनिया के सामने आए वायरलेस फोन। अब तक डिजिटल सिग्नल्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तो इस समय यूज हो रहे थे एनालॉग सिग्नल्स। अब आप पूछेंगे एनालॉग सिग्नल्स क्या, तो बता देते हैं। एनालॉग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन ऑडियो और वीडियो सिग्नल एंड ट्रांसलेटिंग इट इनटू इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। ये वाली डेफिनेशन लगता है हमारे राइटर ने अपनी 6th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक से उठाई। एनालॉग वही टेक्नोलॉजी थी जो मॉडर्म्स और फैक्स मशीन्स में यूज होती थी। इन फोन्स में बैटरी कमजोर थी, वॉइस क्वालिटी खराब थी, सिक्योरिटी ना के बराबर थी और मैक्स स्पीड थी, आप शायद सुनने के लिए तैयार ना हो, लेकिन 2.4 kbps, जितनी बात नहीं होती थी उससे ज्यादा तो हेलो हेलो बोला जाता था। तो अगर आपने आज किसी 3-4 साल के बच्चे के हाथ में ये फोन दिया तो आपको उसी फोन से मारेगा वो अलग, और अपने दोस्तों के साथ आप पर हंसेगा वो अलग। इवोल्यूशन का अगला कदम 2G सेकंड जनरेशन, ये शुरू हुआ 1990s में। अब डिजिटल सिग्नल्स इंट्रोड्यूस हो गए और ये वाकई बहुत बड़ा कदम। अब आप पूछेंगे डिजिटल सिग्नल्स क्या है, तो डिजिटल इज ब्रेकिंग द सिग्नल इनटू अ बाइनरी फॉर्मेट वेयर द ऑडियो और वीडियो डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज ऑफ वंस एंड जीरोस। डिजिटल सिग्नल ऑडियो या वीडियो डेटा को बाइनरी यानी कि जीरो या वंस के फॉर्मेट में ले आता है। वाह, सेम बात हिंदी में लिख दी अब राइटर ने, पैसे काट सलोनी इसके। अब स्पीड पहुंच गई 64 kbps और अब टेक्स्ट के अलावा कुछ पिक्चर मैसेजेस और MMS भी शेयर किए जा सकते थे। Actually, I should not smile this wide while talking about MMS. No. No God! No God! Please no! No! Obviously, Shubham को पता ही होगा MMS के बारे में। खैर, यही generation थी जब GSM और CDMA भी शुरू हुआ। ये words आपको Hutch, Oasis और Reliance के सुहाने दिनों की याद दिलाएंगे। आसान भाषा में समझे तो GSM मतलब Reliance के फोन में कोई भी सिम चलेगी और CDMA मतलब Reliance में Reliance की ही सिम चलेगी। कह दिया ना, बस कह दिया। मूविंग ऑन टू 3rd जनरेशन, 3G जो डेवलप हुआ 1998 में। अब डेटा ज्यादा अवेलेबल था, वीडियो कॉल्स पॉसिबल हो गए थे कुछ अमीरों के घर में, हमारे विदेशी कजिन्स के घर में, बट पॉसिबल थे। और मोबाइल ब्रॉडबैंड मतलब फोन्स में ही इंटरनेट चलना भी शुरू हो चुका था। इंटरनेट स्पीड अब 2 Mbps तक पहुंच गई थी, बात अब KBPS से Mbps पर आ गई थी। तो ये आज शायद बड़ी बात ना लगे पर तब के हिसाब से अच्छा खासा बड़ा स्टेप था। 2008 में डेवलप हुआ 4G, स्पीड शानदार और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी बढ़ गया क्योंकि अब इंटरनेट पहले के मुकाबले काफी ज्यादा लोगों तक पहुंच गया था, तो इंटरनेट ट्रैफिक भी बढ़ गया। बैंगलोर के रोड्स की तरह काम अटक ना जाए इसलिए स्पेक्ट्रम भी बढ़ाया गया, बेसिकली रोड्स चौड़ी कर दी गई। एंड फाइनली अब बात करते हैं 5G की। इसमें हर प्रॉब्लम जो अब तक फेस हो रही थी वो सॉल्व की जा रही है। 1 Gbps की डाउनलोडिंग या अपलोडिंग स्पीड, ज्यादा बड़े फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और बेहद कम लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब जो मोबाइल डेटा कनेक्ट होने में टाइम लगता है उसे लेटेंसी कहते हैं। ऑब्वियसली जनरेशन अपग्रेड हुई है तो फायदे बहुत सारे, पर सिर्फ अपनी रील्स अपलोड और फ्री की फिल्म्स डाउनलोड करने के अलावा बड़ी पिक्चर में भी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स होंगे, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आप जितनी भी चीजें यूज करते हो वो आपस में कनेक्टेड रहेंगी। जागते ही गीजर में पानी गर्म हो जाएगा, कॉफी तैयार हो जाएगी, शहर का टेम्परेचर पता लग जाएगा और आपके मेल्स भी कोई पढ़ के सुना देगा। बस नहाना आपको पड़ेगा, कॉफी आपको पीनी पड़ेगी और मेल्स आपको सुनने पड़ेंगे। वो टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आ पाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा तेजी से डेवलप हो पाएगी। रोबोट एक साईफाई फिल्म से कब बायोपिक बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और उम्मीद है रोबोट 2.0 कभी बायोपिक का रूप ना ले। अक्षय कुमार वैसे ही नहीं देखा जा रहा है, वैसे तो बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। नहीं मानता। स्मार्ट सिटीज की ग्रोथ टेक्नोलॉजी के दम पे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से आगे बढ़ेगी और तो और स्मार्ट फार्मिंग भी ग्रो कर पाएगी। बेशर्म बच्चों के लिए दुखद समाचार, एडटेक यानी कि कहीं से भी बैठ के कहीं भी पढ़ पाना और ज्यादा एडवांस तरीकों से पॉसिबल हो पाएगा। और इन सब चीजों का कलेक्टिव फायदा, डिजिटल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जॉब्स जनरेट होंगे। वरुण पृथ्वी के बाद अगर समाज का कोई भला करेगा तो वो है 5G। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सीधी सी बात है कि इतने फायदे आसानी से तो मिलेंगे नहीं। सबसे पहले दिक्कत आएगी ई वेस्ट जनरेशन की। 5G बहुत ज्यादा बड़ा अपग्रेड है, उससे पहले की टेक्नोलॉजी वाला सामान अपग्रेड नहीं हो पाएगा तो वो पूरा बेकार हो जाएगा और ये बहुत सारा ई वेस्ट क्रिएट करेगा जिसको रिसाइकिल करने के तरीके अभी फिगर्ड आउट नहीं है। दूसरा, 5G एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करने के लिए बैकएंड पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ज्यादा काम। ऐसा कॉन्सेप्ट जो जरूरी तो बहुत है पर जिसका हमारे देश में कभी कभार ही कोई बहुत बड़ा सपोर्टर निकल के आता है, अदरवाइज सब ठीक ठाक ही चल रहा होता है। और तीसरा, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा शेयर होने वाला है तो उसकी प्राइवेसी के लिए अभी तक लॉज बने नहीं है, उनको प्रिपेयर करने के लिए बहुत लेयर्स में काम करना पड़ेगा। चौथा, इस पूरे अपग्रेड को आम जनता तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगा और इसको लेके टेलीकॉम फर्म्स खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, डिजिटल इंडिया को 5G से बहुत ज्यादा तेजी से आगे ले जाना पॉसिबल है तो सरकार ने भी कई चीजें प्लान की है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 5G का रोड मैप बनाने के लिए एक हाई लेवल फोरम बनाई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 करोड़ का कॉर्पस बनाया है सिर्फ 5G के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। 2019 की इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी में प्लान बना इंडिया को ग्लोबल हब बनाने का इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कैसे? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को सपोर्ट करके 5G, IoT और AI में। भारत नेट प्रोजेक्ट के अंडर कोशिश है गजब का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिसमें अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड होगा, हर घर में कनेक्टिविटी होगी जहां अभी सिर्फ स्पीड 2 से 20 Mbps अवेलेबल है और ऑप्टिकल फाइबर्स फैलाए जाएंगे। तो आजकल के बच्चे ऑब्वियसली तेज होंगे, बहुत ज्यादा तेज होंगे, क्योंकि उन्हें कभी नहीं समझ आएगा कि हम और आप songs.pk से गाने और 6-6 घंटे में मूवीज क्यों डाउनलोड करते थे। मुबारक हो, बहुत जल्दी आपको बुढ़ा फील होने ही वाला है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और एंटरटेनिंग भी लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट में बताएं आप कौन से जमाने के हैं, आपने इंटरनेट पे जब पहला कदम रखा तो स्पीड कितनी हुआ करती थी। और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए। विल सी यू सून।